हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केआरसी फिल्टर का डिजाइन। अब इसमें दो टाइप्स है, यूनिटी गेन वाला और इक्वल कंपोनेंट वाला मेथड। तो इक्वल कंपोनेंट वाला मेथड क्या बोलता है कि R1 इक्वल टू R2, C1 इक्वल टू C2। और यूनिटी गेन वाला मेथड क्या बोलता है कि अलग अलग वैल्यूज है सबके, बट K इक्वल टू 1 है। तो आज हम इसका एक सम देखेंगे, डिजाइन करके देखेंगे एक सर्किट, और ये फॉर्मूलाज मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे ध्यान में रखना है। तो पहले क्या है, K इक्वल टू 1। सो ये जो गेन हम लिखते हैं 1 प्लस RB अपॉन RA या 1 प्लस RF अपॉन R1, तो वो 1 हो जाता है। तो बेसिकली RA RB 0 हो जाता है, तो ये सर्किट ऐसे रिड्यूस हो जाता है। सर्किट रिड्यूस हो गया मतलब ये यूनिटी फीडबैक पाथ आ गया। तो हमें अब सिर्फ R1 R2 C1 C2 के वैल्यूज कैलकुलेट करने। कैसे कैसे कैलकुलेट करने, तो ये फॉर्मूलाज देखो। पहले फ्रीक्वेंसी दी गई है क्वेश्चन में, ओके। तो फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो ये जो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, FO इक्वल टू 1/2π रूट MN RC। तो ये MN का क्या चक्कर है, तो MN का इधर कनेक्शन है। हम C1 और R1 की वैल्यू M और N के थ्रू फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, C को अज्यूम करो। C को अज्यूम किया तो C2 हो जाएगा डायरेक्टली C और C1 हो जाएगा N टाइम्स C। सिमिलरली रजिस्टर्स के रिलेटेड भी वैसे ही है, R2 हो जाएगा डायरेक्टली R और R1 हो जाएगा डायरेक्टली M टाइम्स R। तो बेसिकली हमें चार वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, ये जो C है वो, ये R है और M और N। तो C तो अज्यूम कर रहे हैं, C तो डायरेक्टली मिलने वाला है, R किधर से मिलेगा, ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला से। क्योंकि अभी फ्रीक्वेंसी पता है, C पता है, M और N ये फॉर्मूला से आने ही वाले हैं, तो R इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C मिला, R मिला, अब M और N की बात करते हैं, ओके। तो ये M और N कैसे कैलकुलेट करना है, तो M का फॉर्मूला क्या बोलता है, x प्लस √x² - 1। मतलब N निकालने के लिए मुझे x चाहिए। x किधर से आएगा, इस फॉर्मूला से। x क्या है, n/2q² - 1। मतलब x निकालने के लिए मुझे n चाहिए और q चाहिए। q एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होता है, q इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर मतलब 1, 2 ऐसे दिया होता है। तो q का बंदोबस्त हो गया, तो n निकालना होगा। तो अगर q है तो मैं n निकाल सकती हूँ, क्योंकि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4q² n आ गया तो इधर डाल के मुझे x मिलेगा, x आ गया तो x में इधर फॉर्मूला में ही डालूंगी और मुझे m मिलेगा, m मिला और n मिला, सिंपल। मतलब हमारा गोल क्या है, मुझे ये c r m n फाइंड करना है जिसके थ्रू मुझे r1 r2 c1 c2 मिलेंगे। समझे सब फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने ही पड़ेंगे, और ये अगर याद रह जाए पूरा, तो पूरा डिजाइन का मार्क्स हमारे हाथ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज और क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू 2, और हमें डिजाइन करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सी को अज्यूम करो। मैं सी को अज्यूम कर रही हूं 1 नैनोफैरड, ओके। तो डायरेक्टली C2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा 1 नैनोफैरड, क्योंकि C2 इक्वल टू C। फिर C1 क्या है, n टाइम्स C, तो मुझे अब n फाइंड करना है, ओके। तो n क्या है, इधर n इज ग्रेटर देन 4q² q मुझे पता है, q का स्क्वायर इज 4, 4 × 4 = 16। सो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। अब 16 के ऊपर कुछ भी चलने वाला है, तो मैं 20 लेती हूं, n इक्वल टू 20। अब ये मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूं तो ये 1 नैनोफैरड है, तो ये हो जाएगा 20 नैनोफैरड। तो मुझे C1 मिल गया, सिंपल। C2 मिला, C1 मिला। अब आते हैं R1 R2 की तरफ। R1 R2 के लिए मुझे M चाहिए, M के लिए X चाहिए, तो मैं पहले X निकाल लेती हूं। n इज 20, q इज 2, q स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8,
एट माइनस वन, अभी ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर में डालने के बाद 1.5। आप मुझे एम कैलकुलेट करना है ये फॉर्मूला से। अगर मैं ये एक्स की वैल्यू इसमें डाल दूं तो मुझे एम की वैल्यू मिलती है 2.61। ये सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ कैलकुलेट करते जाओ। ओके, एम मिला। अब मुझे आर वन आर टू फाइंड करना है। पहले मैं निकालूंगी आर। अभी आर कैसे फाइंड करना है? एफओ की फॉर्मूला से। ओके, यहाँ पे एफ है 10 किलोहर्ट्स, एम की वैल्यू मिली 2.61, एन था 20, सी था 1 नैनोफैरड, और आर फाइंड करना है। इसमें सिर्फ एक अननोन है आर, तो ये पूरा कैलकुलेटर में डालने के बाद आर की वैल्यू आ जाती है 2.2 के। ओके, आर मिला। अब आर टू तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, आर टू इक्वल टू आर 2.2 के। आर वन की वैल्यू क्या होती है? एम टाइम्स आर, तो एम था 2.61, 2.61 इंटू दिस इट विल कम आउट 5.7 के। ओके, तो बेसिकली मैंने एम और एन की मदद से आर वन आर टू सी वन सी टू निकाला। अब मैं क्या करूंगी, ये जो वैल्यूज आए हैं ये वैल्यूज इस सर्किट में सिर्फ लिखूंगी। ओके, मुझे मतलब सी वन मुझे आया 20 नैनोफैरेड, सी टू आया 1 नैनोफैरेड, आर वन इज 5.7 के और आर टू इज 2.2 के। ओके, ये सब ऐसे लिखना है, सिंपल था। सिर्फ फॉर्मूलेज याद में रखना है और कैलकुलेट करते जाना है बस।